क्वेश्चन में हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है, तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के पहले उसकी नेसेसिटी होती है। क्या नेसेसिटी होती है आपको? पहला होता था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए गिवेन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में 1 से 3 में, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता था फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और यहाँ पे ए बी क्या है आपका 1 से 3 है। तो पहला चीज हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कि एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, देयरफोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये थ्योरम होती है इन ये ऑल एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है तो आपके पर्टिकुलर इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस ऑब्वियसली होगा, तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 3। दूसरी चीज एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ आपका एक्स क्यूब माइनस 5x² - 3x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, दैट कम्स आउट टू बी 3x² - 10x - 3, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अगर पॉलिनोमियल है तो ये हर एक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ये 1 से 3 के लिए एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है, ठीक है। तो लिखेंगे क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 1 to 3, ठीक है। तो ये जो हम सेकेंड आर्गुमेंट दे रहे हैं, इस आर्गुमेंट को आप सिंगल लाइन में भी दे सकते हो कि एफ एक्स पॉलिनोमियल है, देयरफॉर इट इज डिफ्रेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल 1 to 3, ये बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों ही तरीका आपके पास है, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपके टीचर्स बताए हों आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 1 to 3, ये पॉलिनोमियल है तो हर एक्स के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली 1 से 3 के लिए एग्जिस्ट करेगा। नाउ अब हम लोग क्या कहते थे कि एफ डैश सी क्या होता था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी, सी आप यहां पे एफ डैश एक्स आपके पास पता है, ठीक है, से ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से आपको पता है कि एफ डैश एक्स क्या है, ये आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है, एफ डैश एक्स। अब जहां जहां एक्स रखा गया है वहां सी रख दें एफ डैश सी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3c² - 10c एंड माइनस का 3, दैट इज इक्वल टू एफ बी। अब फंक्शन की बी पे वैल्यू है ना, और बी आपका क्या है 3 है, तो फंक्शन की 3 पे वैल्यू चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू 3 रख दें हम, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी 3³ - 5 × 3² - 3 × 3, ठीक है। जहां x था हमने वहां पे 3 रख दिया, क्योंकि f ऑफ b मतलब f ऑफ 3 निकालना था, माइनस f ऑफ a का मतलब f ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, जहां x है वहां पे 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा आपका 1³ - 5 × 1² और -3 × 1 हो गया अपॉन बी माइनस ए, मतलब 3 - 1, ठीक है। ये कैलकुलेट करिए तो 3c² - 10c - 3 और ये कितना 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो 27 और 9 × 5 = 45, ठीक है। तो 27 और 45 नेगेटिव आएगा और -9 54 हो जाएगा, तो माइनस का 27 बचेगा आपका, ठीक है। तो यहां आपका बच गया माइनस का 27, ठीक है, माइनस यहां पे क्या बचा आपका 1 प्लस का है और 5 और -3 - 8 और +1, तो माइनस का 7 हो गया अपॉन 2 हो गया, ये कितना हुआ
तो ये 27 माइनस का है और प्लस का 7, तो 20 हो गया माइनस का ऊपर, और माइनस 20 बाई 2 तो माइनस का 10 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, यहाँ से इधर ले जाइए इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक सी में बन गई, और सी में क्वाड्रेटिक बनने का मतलब हुआ, ठीक है, कि इसके दो रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। खैर अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इधर जाके प्लस 10 होगा और माइनस का 3, तो प्लस का 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 3, 21 के फैक्टर का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इसका मतलब इस 10 को हम 7 प्लस 3 लिख लें, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c और प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से आप c कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा आपका 3c माइनस 7, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ भी 3c माइनस 7 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या हो गया आपका c माइनस 1 टाइम्स 3c माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म 0 होंगे, इसका मतलब आपके पास दो केस है, है ना, आइदर, ठीक है, यहाँ c माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब c 1 हो जाएगा, और क्या आपका दूसरी वाली ब्रैकेट 3c माइनस 7 0 होगा, मतलब c क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है। अब देखिए दो वैल्यू आपके पास है, लेकिन क्या दोनों एक्सेप्ट होंगी या दोनों रिजेक्ट होंगी या फिर कोई एक एक्सेप्ट होगी, इसके लिए आप, ठीक है, क्या जानते हैं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू आपका 1 से 3 में आता है, ठीक है। तो 1 से 3 में और ओपन इंटरवल 1 से 3 में, तो ओपन इंटरवल 1 से 3 में 1 तो आएगा नहीं, 1 एंड पॉइंट पे है, ये क्लोज इंटरवल में आएगा, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो 1 से 3 में आपका 7/3 आएगा, है ना, 3 2 6 2 समथिंग होगा ये, तो 1 से 3 के बीच में आएगा ये, तो ओनली सी की वैल्यू क्या एक्सेप्ट करी जाएगी 7/3। तो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड एंड ओनली वन वैल्यू इज फाउंड विच इज सी इक्वल्स टू 7/3।